आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में बीजक व्यंजक के पदों की संख्या कितनी है। पहला हमें पदों की संख्या गिन के बतानी है और उनका वर्गीकरण भी करना है, अर्थात वो किस बहुपद। तो हमें पता है कि पदों की संख्या कैसे प्राप्त होती है, तो किसी भी समीकरण में जितने पद लिखे होते हैं उन्हें गिन के बताना होता है। वर्गीकरण, जैसे कि हम पहले समझ लें कि यदि संख्या में जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से होता है, तो उसमें एक चीज हमें पता होनी चाहिए जो है चर और दूसरा है अचर। तो ऐसा चर अर्थात जैसे कि एक्स वाई इस तरह की संख्या को हम चर कहते हैं क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। अचर क्या है, कोई भी फिक्स संख्या, कोई भी जो बदलती ना हो, जैसे कि एक हो गई, दो हो गई, तीन, ये सारी संख्या फिक्स संख्या है ना, जिनका मान कभी बदलता नहीं है। तो चर अचर से हम क्या है वर्गीकरण करते हैं। अगर अब हमें जो कहा गया है कि अगर जैसे कि समीकरण है उसका वर्गीकरण करना है, तो अगर मात्र वाई पद हुआ तो उसे एक पद कहते हैं। यही अगर दो पद इसमें दो हुए, जैसे कि एक्स धन वाई हो गया या वाई धन वाई की घात दो हो गई, तो ये क्या दो पद हो गए, अर्थात जितने पद होंगे वो उसके उसके वर्गीकरण में आएंगे। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं। हमें प्रश्न क्या दिया गया है, चार गुणे में पी स्क्वायर क्यू ऋण में चार पी क्यू स्क्वायर। तो पदों की संख्या क्या होती है, तो हमें गिन लेना है कि एक ये पूरा पद हो गया और एक ये पद हो गया, अर्थात धन और ऋण से जो अलग की गई है जिसका सबसे सरल स्वरूप है वो क्या होती है, उसके पदों की संख्या होती है। तो एक और दो अगर हम दोनों गिने तो हमें पदों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, दो। तो जो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि पदों की संख्या बताए, तो वो हो जाएगा दो पद। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, इनका वर्गीकरण करें। हमें पता है जब किसी भी जो हमें विजय पंजक दिए होते हैं उसमें जो पद अगर दो पद हो तो उसे क्या द्विपदी कहते हैं, एक पद हो तो एक पदी कहते हैं और तीन पद हो त्रिपदी कहते हैं, और ऐसे इसके अलग अलग नाम है। क्योंकि इस समीकरण में दो पद है, तो जो हमें दूसरा प्रश्न कहा गया है कि इसका वर्गीकरण करते हैं तो किस में आएगा, इसके वर्गीकरण में ये द्विपदी विजय पंजक में द्विपदी कहलाएगा। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।